सरकार संवेदनहीन है। इनके मंत्रियों ने वीरांगनाओं के साथ कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के बाद मुकर जाना। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार संवेदनहीन है। इनके मंत्रियों ने वीरांगनाओं के साथ कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के बाद मुकर जाना, और मुकरने के बाद जिस तरह से हमारे सांसद करोड़ी जी मीणा धरने पर बैठे, इनसे मिलने से मना कर दिया, और वीरांगना जब मिलने के लिए गई तो पुलिस ने जिस तरह से निर्दयतापूर्वक उन पर लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, मैं समझता हूँ यह तो हमको अंग्रेज़ों से भी बदतर तानाशाही दर्शाता है। उसके बाद अभी परसों रात को जिस तरह से इन्होंने रात को 3 बजे वीरांगनाओं को उठा के ले गए, और 3 बजे तो अंग्रेज़ भी गुलामी के दिनों में भी नहीं होता था, उस तरह उनको उठा के ले गए, और उसके बाद जब हमारे सांसद उनमें से मिलने जा रहे हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वह भी अरेस्ट किस तरह से, कॉलर पकड़ा, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, आप उसके साथ भी इस तरह व्यवहार करते हो तो आम जन के साथ ये पुलिस क्या करती होगी। लेकिन ये पुलिस सारी गहलोत सरकार के इशारे पे कर रही है, ये शर्मनाक है, निंदनीय है, और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्यपाल से मांग करूँगा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए जो संवैधानिक ढंग से आवश्यक कदम है वह उठाए, और इस पूरे प्रकरण की CBI से जाँच भी हो, और राज्यपाल और हमारे गृह मंत्री केंद्रीय इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें, अन्यथा इस तरह से वीरांगनाओं का अपमान, जिनके पतियों ने पुलवामा में जिस तरह शहादत दी, उससे जो लोग मिलिट्री में जाने का मन था उनका भी मनोबल इससे कमज़ोर होगा और कोई जाने में कमी होगी। राजस्थान में इन जिलों के तो लोग जाते हैं, और राजस्थान वीरांगनाओं का और वीरों का प्रदेश माना जाता है, उस समय इस प्रकार का व्यवहार करना किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अरे इनके लोग कह रहे हैं, अरे मिलने में क्या कठिनाई है, फिर इन्होंने 2 मंत्रियों को भेजा, वो जो कमिटमेंट करके आया वो भी नहीं। तो इस तरह से ज़िद्दीपना, अकड़पना, इस तरह ईगो पालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आए बातचीत करें, इनको पूरा सम्मान मिले, और इनके लिए जो कमिटमेंट किया गया उन मांगों को स्वीकार करें, और जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने हमारे सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया।